हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल कोमल लाइफ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी और ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बनी रहिए और इस यूनिक और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप राइस, जिन्हें मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा था और इसे अब मैंने वॉश कर लिया है साफ पानी से। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया एक मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें जो हमारे भीगे हुए राइस हैं, हाफ राइस इसमें ऐड कर दूंगी। हम इसे 2 बार करके इन्हें पेस्ट बनाएंगे इनका, क्योंकि एक साथ बनाएंगे तो पेस्ट नहीं बन पाएगा। हाफ राइस मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसी के साथ मैं इसमें कर रही हूँ हाफ बॉइल आलू और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि विदाउट पानी एक स्मूथ पेस्ट नहीं बन पाएगा। और इसे ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में। फ्रेंड्स, जो ये मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, ये आपने आज तक नहीं खाया होगा ना ही देखा होगा। अब जो हमारे बचे हुए राइस हैं, वो भी मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। उसी के साथ हम ऐड करेंगे हाफ बॉइल आलू और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट देखिए बिल्कुल रेडी है। ऐसा स्मूथ पेस्ट बनाना है हमको। और इसे भी ट्रांसफर कर देंगे हम बाउल में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजीज, 1 ग्रीन चिली, 4 से 5 कड़ी पत्ता चॉप करे हुए, 1 कैप्सिकम, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 कैरेट, आप इसमें धनिया पत्ती, आप इसमें जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं बारीक चॉप करके, 1 अनियन एंड 1 टमाटो। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1/4 स्पून काली मिर्च, 1 स्पून नमक, 1 स्पून जीरा जो कच्चा जीरा होता है, 1/4 स्पून चिली फ्लेक्स, आप इसमें चाहे तो चाट मसाला, अमचूर पाउडर कुछ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग सोडा इन बेकिंग पाउडर की जगह 1 टीस्पून इनो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनो ऐड करते हैं तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड मत कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थिक लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे, यानी जो डोसे का बैटर होता है जिस टाइप का, उसी टाइप का हमें इसे बैटर को बनाना है। इसमें टोटल 300 ml पानी डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है। कुछ इस तरह का बैटर रखना है हमें। देखिए पीछे एक पतली सी लेयर बननी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के लगभग डालेंगे और स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर घी कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। पैन के गर्म होने पर हम इसमें बैटर को ऐड करेंगे। हमें ज्यादा मोटा बैटर नहीं रखना है, पतली लेयर ही हमें डालनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमें कुछ पतली लेयर ही डालनी है, क्योंकि ये अभी क्या है, इसमें हमने सोडा ऐड किया है तो ये अभी फूलेगा,
तो इसे ज्यादा मोटा डालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ऊपर से भी बिल्कुल जो बैटर है वो सूख चुका है। अब इसे पलटते हैं और बड़ी ही आसानी से ये हट जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल और ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के लगभग। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसे पलट देंगे और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना थिक हो गया है। कितनी पतली हमने लेयर डाली थी बैटर की और ये कितनी मोटी हो चुकी है। और हमने अब इसे भी 3 से 4 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें पकाना है, तभी ये क्रिस्पी हो पाएंगे। हाई फ्लेम पर हमें इन्हें नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम हमें स्टार्टिंग से लास्ट तक मीडियम ही रखनी है। बिल्कुल ब्रेकफास्ट जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम जो हमारा बाकी का बैटर है उसके भी बना लेंगे इस तरह से। और इसमें टोटल 5 से 6 आपके आराम से जो पैनकेक बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपको नाम पसंद आए वो जाते हैं। और देखिए ये बिल्कुल रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, यूनिक है और टेस्टी भी है। ट्राई करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आई हो रेसिपी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं आपको देखिए अंदर से भी कितना अच्छा सीखा है और कितना जालीदार बना है। इसे आप केचप के साथ, कोकोनट चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कोकोनट चटनी की अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और देखिए आप कितना अच्छा बना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।